दाखिल। आमतौर पर हर कातिल की यही कोशिश होती है कि वो कानून की निगाहों से खुद को बचा सके, किसी तरह वो पुलिस को गुमराह कर सके, कानून के शिकंजे से दूर रह सके। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी कातिल से जो कैमरे पर चीख चीख कर ये कह रही है कि उसी ने कत्ल किया है। हाँ, वो महिला है और वो खुलकर कह रही है कि उसी ने अपने पति का अपने हाथों से कत्ल किया है। आखिर क्यों, आइए देखते हैं। कातिल का खुला कबूलनामा। मेरा खुद अपना प्लान था, मैंने खुद उसे मारा। कैमरे पर कत्ल की लाइव कमेंट्री। मैंने उसको इस तरह से पट्टा बनाया और उसके गले में डाला, इस तरह से डाला, इस तरह से डाल के और उस दबा दिया गला उसको मैंने। वो कत्ल कर थाने जा पहुंची। बस मैं ये जानती कि मेरा आदमी गंदा था, मैंने अपना आदमी का कत्ल कर दिया। इसमें कोई सहमत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैंने खुद ने अपना मारा। क्या कत्ल करना मजबूरी था? अगर मैं उसको छोड़ देती तो वो मुझे खत्म कर देता। कभी सुना है आपने किसी कातिल को यूं खुलेआम अपना गुनाह कबूलते? लेकिन मंगलवार को दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में यही हुआ। खून सने कपड़े पहने ये महिला जब थाने में दाखिल हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक कातिल है और वो अपना जुर्म कबूल करने आई है। अगर मैं उसको छोड़ देती तो वो मुझे खत्म कर देता। मैं खत्म रहती तो फिर वो किसी और को भी लेता, उसकी भी जिंदगी खराब होती, क्योंकि मेरे से पहले एक औरत की जिंदगी खराब हो चुकी है। इस महिला ने जब पुलिस के सामने बोलना शुरू किया तो मानो खुद पुलिस के होठ सिल गए। इसने बताया कि मरने वाला खुद उसका पति था। जी हाँ, अगर पत्नी पति की अर्थांगिनी होती है तो ये महिला आधी खुदकुशी कर चुकी थी। उत्तम नाम की इस महिला ने पुलिस के सामने कबूल किया कि इसने अपने शौहर धनपाल का कत्ल कर दिया है और लाश घर में ही पड़ी है। पुलिस महिला को लेकर गोकुलपुरी के जौहरीपुर में जब उसके घर पहुंची तो वहां उसके पति की खून में डूबी लाश पड़ी मिली। मैंने उसको दवाई दी थी, दवाई दे रखी थी और दवाई देकर उसको आराम करने के लिए कहा कि सो जाओ। सोने के बावजूद फिर मैंने उसको इस तरह से पट्टा बनाया और उसके गले में डाला, इस तरह से डाला, इस तरह से डाल के और उस दवा दिया डाला उसको मैंने। जब वो बिल्कुल मरने को भी नीचे अपने आप तुरंत गिर गया, फिर मैंने उसको पीछे से पकड़कर और उसको नीचे डेरे के मारा। बीवी ने शौहर का कत्ल किया और फिर खुद ही थाने जाकर जुर्म भी कबूल लिया। जाहिर है इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। आरोपी बीवी ने उस वजह का भी खुलासा किया। इसके मुताबिक धनपाल ने दूसरी शादी की थी और वो उससे पहले अपनी पहली बीवी की जिंदगी भी खराब कर चुका था, लिहाजा इसे अपनी जिंदगी पर खतरा नजर आने लगा और इसने अपने पति को मिटा दिया। जिंदगी ना बिगाड़ रही है या किसी से खिलवाड़। हाँ, मैंने इसी बेस पे मारा कि आज मेरी जिंदगी खराब हो गया, कल को किसी और की भी जिंदगी खराब करेगा। अगर मैं उसको छोड़ देती तो वो मुझे खत्म कर देता, मैं खत्म रहती तो फिर वो किसी और को भी लेता, उसकी भी जिंदगी खराब होती, क्योंकि मेरे से पहले एक औरत की जिंदगी खराब हो चुकी है। जो औरत उसकी शादी हुई जिसकी, वो तो छुट गई, लेकिन फिर मेरी जिंदगी खराब होगी क्योंकि उस औरत ने उसको छोड़ दिया। उत्तम ने बताया कि वो पहले ही तय कर चुकी थी कि उसके पति जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। कत्ल से पहले उसने अपने शौहर को नींद की दवाई खिलाई और जब पति गहरी नींद में सो गया तो उत्तम ने चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मौत की तस्दीक करने के लिए उत्तम ने अपने पति का सिर बेतहाशा जमीन पर पटका और उसे लहूलुहान कर दिया। उसने आज तक कोई लड़की नहीं छोड़ी, कोई किसी को नहीं छोड़ा उसने, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी, और जो आता मतलब सभी के साथ उसका ये काम था। उत्तम के इल्जाम संगीन है, लेकिन इस दास्तान का एक और पहलू भी है जिसका खुलासा मकतूल की भतीजी सपना ने किया। बकौल सपना, करीब 6 महीने पहले उसने अपनी चाची उत्तम को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था। ये बात इसने अपने चाचा धनपाल को भी बताई थी। इसके बाद से ही उत्तम और धनपाल के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे।
और आखिरकार बात शौहर के कत्ल तक जा पहुंची। मैंने पहले चाची को किसी लड़के के साथ स्टैंड पर देखा था और मैंने चाचा को बताया कि चाचा चाची मैंने आज ऐसे ऐसे देखी है, तो फिर चाचा कहने लगे ठीक है देखिए तो मैं वहाँ पे जाऊँगा रिपोर्ट कर लाऊंगा उस लड़के के नाम की। दिल्ली पुलिस ने उत्तम को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। हकीकत चाहे जो हो लेकिन इस बीवी को आज भी अपने पति के कत्ल पर कोई अफसोस नहीं। योगेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इसलिए मेरा आदमी गंदा था, मैंने उसको खत्म कर दिया, बस इतना मैं जानती हूँ सर। आपको कोई इस बात का कोई अफसोस का? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इधर दिल्ली की एक बीवी खोलकर अपने पति के कत्ल को जायज ठहरा रही है, तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बीवी पर लगा है इल्जाम अपनी आंखों के सामने अपने दो आशिकों की मदद से अपने पति को कत्ल कर देने का। कमाल की बात देखिए कि जब पति कत्ल हो रहा था तो पत्नी के चेहरे पर शिकन नहीं सुकून था। आखिर क्यों? अगर गाजियाबाद पुलिस की माने तो इस सब की वजह बीवी की हवस थी। गाजियाबाद में हुई आधी खुदकुशी, बीवी पर शौहर के कत्ल का इल्जाम। कत्ल की वजह थे नाजायज रिश्ते। सुनिए कातिल बीवी का बयान। इसका पति इसके सामने मारा गया और इसके चेहरे पर शिकन की जगह सुकून था। बकौल पुलिस पति को मारने वाले इसके आशिक थे और इसी ने बनाया था पति के कत्ल का प्लान। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को तुम्हारा प्रेमी हत्या कर रहा था, मार रहा था, तब तुम्हें जरा भी दया नहीं आई अपने पति पर? जी आई थी, लेकिन क्या करते मैं? तुम शामिल थी यानी कि पूरे प्लान में? जी हाँ। गाजियाबाद पुलिस की माने तो कैमरे से अपना चेहरा छिपा रही ये वो बेहया बीवी है जिसकी आंखों पर अय्याशी ने ऐसा पर्दा डाला कि ये सात फेरों की कीमत भूल गई और इसने अपने आशिकों के हाथों अपने पति को मरवा दिया। पुलिस की माने तो ये वही शातिर बीवी है जो महीना भर पहले 13 जून को इसी पुलिस थाने में रोती बिलखती दाखिल हुई थी। तब इसने रो रो कर अपने पति बैजनाथ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तब कौन जानता था कि ये नाटक कर रही है, पुलिस को भटका रही है। अनीता की तहरीर पर पुलिस ने बैजनाथ की तलाश शुरू की तो अगले ही दिन गाजियाबाद के खगड़ी रोड पर उसकी लाश बरामद हो गई। 14 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी वो खरकड़ी रोड पर, तो वहीं से शंका हो गई थी। तो इसके बाद फिर ये लड़की ने गुमशुदगी लिखाई और उसके बाद पूछताछ शुरू की गई, तो फोटो के आधार पर जो है इसकी डेड बॉडी की शिनाख्त हुई। जांच में पुलिस को पता चला कि अनीता की 3 साल पहले बैजनाथ से शादी हुई थी, लेकिन शादी के चंद रोज बाद ही उसके पड़ोस में रहने वाले शमीम और इरफान नाम के दो लोगों से नाजायज ताल्लुकात हो गए। बैजनाथ को जब अनीता की अय्याशियों की खबर लगी तो अक्सर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। ये झगड़े अनीता की अय्याशी में खलल पैदा कर रहे थे, लिहाजा अनीता ने अपने आशिकों से मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। अनीता ने अपने दोनों आशिकों को घर पर बुलाया और गला घोंट कर बैजनाथ की हत्या करा दी। इसके बाद उसकी लाश को खड़गी रोड पर फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया। मृतक बैजनाथ की पत्नी अनीता का अपने पड़ोसी समीम और इरफान कासिम बिहार का रहने वाला, इन दोनों से कुछ के नाजायज संबंध। तो पति को जब जानकारी हुई तो पति ने जो है उसका विरोध किया, तो इसने अपने प्रेमी शमीम को बुला और प्रेमी से बताया, और शमीम ने अपने बुआ के लड़के इमरान को लिया और इन तीनों ने मिलकर के गला घोटकर घर में ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में अनीता और उसके आशिक शमीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आशिक इरफान अभी फरार है। जिस अय्याशी की चाहत में ये कत्ल करने से भी नहीं चूके, उस अय्याशी की जगह आखिरकार इनका मुकद्दर बन गई सलाखें। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज।
तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक, लेकिन अगर आपके पास है जुर्म की दुनिया से जुड़ी कोई भी खबर तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें फोन जरूर कीजिएगा। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सलाखें।